कोड किसका है जावा का कोई डाउट है इसमें नहीं ठीक है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से दिख गया ओके अब अगर आपको यहां पर दिख रहा है रन समझ जाना आपका जावा सेटअप सही हुआ है ठीक है जावा सेटअप सही हुआ है ओके सो हे एवरीवन कैसे हो सारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जावा को कैसे सेटअप किया जाए किसके अंदर वीएस कोड के अंदर, अंदर जहां पर मैं अपने जावा के प्रोग्राम को रन कर सकूं विदाउट एनी टेंशन ओके और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर जैसे आपको एक रन यहाँ से भी आप कर सकते हो रन debug option ऑप्शन दिख रहे हैं और रन आप यहां पर भी कर सकते हो ठीक है तो so, मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं मैं यहां से रन करूंगा ठीक है तो so, यहां से रन करने पे अगर आप देखोगे आउटपुट आ गया बोम ठीक है और यहाँ पे मैंने प्रिंट भी क्या करवाया था बोम ओके तो इसमें एक चीज देखोगे इसमें इतनी सारी खिचड़ी सी आई है ओके okay, इतनी सारी लाइन एग्जीक्यूशन की यहाँ पर भी पूरा चल रहा है

उसी का फायदा है कि यहां पे आप समझ सकते हो जावा सी फर्स्ट डॉट जावा जावा इससे का कोड कंपाइल हो रहा है एंड जावा फर्स्ट जब हो जाता है, एक हमारी ठीक है? और वो रन होती है ठीक है इसकी वजह से हमारा जावा कोड क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है ठीक है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम उसको मैक में लिनक्स में और अपना विंडोज में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं और इसको मैं सेट अप करके बताऊंगा ठीक है ताकि आपको अपने आउटपुट से लेना देना हो ओके okay, रेडी हो एक्साइटेड हो अभी तक वीडियो लाइक की नहीं करो यार ये मैंने दो तीन घंटे लगाए हैं और सारी वीडियोस देखी हैं देखा कोई बता नहीं पा रहा है ठीक है चाहे फिर आपका लिनक्स हो मैक हो विंडोज हो बहुत इजी स्टेप्स ठीक है सो दिखाता हूँ जावा सेटअप करने के लिए आपको वी कोड के लिए हमेशा दो चीज तो चाहिए होगी जावा भी चाहिए और वी कोड भी चाहिए ठीक है जावा के लिए आप क्या करोगे जेडी के डाउनलोड करोगे जावा डेवलपमेंट किट इसी के अंदर आपका जे होता है ठीक है जावा वर्चुअल मशीन जो जावा को रन करने में हेल्प करती है और जे आर ई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ठीक है आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ जेडी के एक बंडल आएगा वो आप इंस्टॉल कर लो मशीन के अंदर ठीक है चेक कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कुछ नहीं है सिंपल आप लिख दोगे सीएमडी ओपन करके ठीक है उसमें लिखोगे जावा स्लैश वर्जन ठीक है वी आर एस आई यू एन बस इससे आपको पता चल जाएगा आपका जावा इंस्टॉल हो गया है कि नहीं सही से सेटअप हो गया है कि नहीं दूसरी चीज हमारे को क्या चाहिए अपना फेमस वी एस कोड एडिटर ठीक है उसके बाद जो सारा खेल है जो मैंने आपको बताया वहां पर लिखा आता है ना रन डीबग उससे आप पता करोगे कैसे पता करोगे कि ये हमारा सेटअप हो गया है कि नहीं रन डीबग देखकर ठीक है हमारा जावा सेटअप हो गया सही से ओके okay. तो कुछ एक्सटेंशंस हैं किसके अंदर VS कोड के ही अंदर है जहां पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वो क्या करेगा वो हेल्प कर देगा VS कोड को और जावा को एक दूसरे से लिंक करने में बस इतना समझना आपको ठीक है वो किसकी हेल्प से होगा एक्सटेंशंस की हेल्प से तो चलो फिर इन्हीं तीन स्टेप्स को फॉलो करना है पहला स्टेप जेडीके इंस्टॉल दूसरा स्टेप VS कोड और तीसरा कुछ एक्सटेंशन के नाम बता रहा हूँ जिनको आपको इनेबल करना है इंस्टॉल करना है अपने उसके अंदर और वो वीएस कोड के अंदर हो जाएगा उसमें कुछ ज्यादा लगेगा नहीं हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है जेडी डाउनलोड करना तो हमारे को क्या करना जावा जेडीके गूगल सर्च कर लेना आपकी वेबसाइट बहुत सारी खुलेंगे ठीक है ये मैं ब्रेव में चला रहा हूं तो सॉर्टेड है कोई ऐड वेड नहीं है वरना ऐड भी आएगी तो जावा डाउनलोड्स ठीक है ये कहां से करोगे ओरकल डॉट कॉम से ठीक है यहां पर क्लिक करना सिंपल यहाँ आ जाओगे ऊपर ही दिख जाएगा जावा नाइनटीन एंड जावा सेवनटीन अवेलेबल ना हो यह क्या है जो स्टेबल वर्जन है उसके बारे में बात कर रहा है ठीक है तो आपको वहीं पे मिल जाएगा और हमें कौन सा जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो डाउनलोड करना है आपके टाइम पे जब भी आप देख रहे हो शायद कोई और वर्जन आ जाए ओके यहाँ पर देखोगे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है लेनक्स हो मैक एस हो या विंडोज हो सभी के लिए जेडी अलग आता है ठीक है ना अब जोन से भी डाउनलोड कर लो मैं तो कहूंगा अपडेट ही करा करो हमेशा ठीक है आपको लेनेक्स मैको एस विंडोज तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा दिख जाएगा तीनों के लिए अलग अलग जेडी के होता है ठीक है आप अपने हिसाब से देख लेना विंडोज के लिए हम कर रहे हैं तो देखोगे तीन चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पर कौन सी कौन सी एक् सिक्स फोर कम्प्रेस कम्प्रेस यानी कि जिफ फाइल होगी आपकी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी फाइल्स को दूसरी ई एक्ससी ठीक है ई एक्सी और तीसरी एमएसआई ठीक है ई एक्सी एमएसआई में से कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो फिलहाल मैं करूंगा अगर आपको ज्यादा कुछ वो नहीं करना है तो आप ई एक्सी लेकर चलो ठीक है सिंपल जैसे ही आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जो भी आपका डाउनलोड के अंदर होगा ठीक है अगर आप देखोगे वहां पर जेडी के लिखा हुआ है ठीक है आपको सिंपल यहाँ पर सेव कर देना बस इसके बाद आप क्या ये सेव शुरू हो गया ठीक है अभी नेट की स्पीड अच्छी है तो मेरा यहाँ पर अच्छे से हो गया अब मैं करूंगा ओपन वैंडन या शो इन फोल्डर शो इन फोल्डर करूंगा तो देखोगे ऐसे हमारा फोल्डर खोल जाएगा ओके okay, दो बार ओपन कर दो दो बार क्लिक कर देना बस आपका जेडी के स्टार्ट मेरे में पुराना है अभी अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो देखोगे आप सी एम डी ओपन कर रहा हूं मैं और ये मैंने डाला जावा स्लैश वर्जन तुम्हारे सामने इंस्टॉल कर रहा हूं क्योंकि ठीक है आप क्या देख रहे हो जावा वर्जन एटीन पॉइंट जीरो पॉइंट वन पॉइंट वन ठीक है नाइनटीन कर रहा हूँ देखो अभी ठीक है तुम्हारे सामने ये फर्स्ट आएगा नेक्स्ट करना ठीक है इसके बाद कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडी के नाइनटीन हो अपने आप हाँ, जा रहा है हमारा उसकी इंस्टॉल डायरेक्टरी है ठीक है नेक्स्ट देन देन थोड़ा सा कुछ टाइम लेगा और आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा ठीक है या सो कॉपी होना शुरू हो गया है थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद डन हो जाएगा हम सो या इसके बाद हमारा क्या होगा जब भी आपका वो स्टेप खत्म होगा सक्सेसफुली इंस्टॉल इंस्टॉल हो चुका है क्लिक नेक्स्ट स्टेप्स टू एक्सेस ट्यूटोरियल्स एपीआई डॉक्यूमेंट्स डेवलपर्स मतलब कुछ करना है जैसे आपका ये जेडी के दिख रहा है आपको सिंपल राइट क्लिक करना है आप ओपन करोगे एंटर कर सकते हो रन एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो लेकिन इतना कुछ नहीं चलना तो तो पाओगे अगर बिगनर नहीं हो तो ऑब्वियसली पढ़ना जरूर ठीक है क्या चल रहा है क्या नहीं उसके बाद आप क्लोज कर दो अभी देखो यहाँ पर क्या था मैंने पहले किया है ठीक है दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अब देखो जावा वर्जन नाइनटीन पॉइंट जीरो पॉइंट वन अठारह दस दो हजार बाईस ठीक है ओके ये हमारी वर्जन की रिलीज डेट होती है ठीक है तो ये हमारी यहाँ पर आ गई ठीक है जावा 19 वर्जन होगा तुम्हारे सामने इंस्टॉल कर दिया कोई दिक्कत तो नहीं है अब बात कर लेते हैं वी कोड की सेकेंड स्टेप आपका वी कोड ठीक है अच्छा कईयों का क्या है यहां पर ये जावा वर्जन न आए ठीक है वैसे आना चाहिए मुझे पता नहीं है ठीक है क्योंकि विंडोज इलेवन में शायद ऑटोमेटिक है बट विंडोज टेन में भी मैंने ट्राई किया था तब भी हो गया था ओके अगर ना आए तो क्या करोगे आप सिंपल कुछ नहीं करना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना ओके ठीक है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओगे यहां पर आपको दो दिखेंगे यूजर वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स ठीक है कहीं भी आप एडिट कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है जहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा हो मैंने यहाँ न्यू कर दिया न्यू में लाइक like, यहाँ पर आ जाओ पाथ पाथ ठीक है पाथ को सिलेक्ट करना न्यू ठीक है यहाँ पे ऐसे कर सकते हो या एडिट ओके एडिट पे ओपन करोगे एडिट में जाओगे कुछ वर्जन दिखे हैं अब यहां पर देखोगे यहाँ पर मेरा था अभी मैं इसको कैसे बताऊंगा आपको कहाँ जाओगे आप एक्सप्लोरर और एक्सप्लोरर को ओपन करोगे और दिस ना सी प्रोग्राम फाइल्स जावा में इंस्टॉल हुआ था हमारा ठीक है ये आ गया जावा और जेडी के एटीन नाइनटीन दो प्रेजेंट है क्योंकि मैंने दो इंस्टॉल कर लिए तो आप नाइनटीन पे जाना बिन में जाना इसको कॉपी करना ठीक है कॉपी किया यहाँ पर एडिट पे आ जाओ और जरूरी नहीं है यहाँ न्यू कर लो ठीक है न्यू करेंगे 18, 19 हो जाएगा ठीक है और इसको ओके okay. तो इसके बाद ये इसके बाद क्या होगा आपका ये वाली स्क्रीन आनी ही चाहिए ठीक है वर्जन डालो तो वर्जन दिखना चाहिए कि हमारा वर्जन इसमें इंस्टॉल है वो वो वाला पॉइंट ठीक है. अब बात करते हैं अपने स्टेप की कोड कोड आप टाइप करना सिंपल ठीक है कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम ये मेन वेबसाइट है बस क्लिक कर दो ठीक है अब यहाँ देखोगे आपको ये मेन वेबसाइट दिखेगी कुछ इस प्रकार की कुछ करने की जरूरत नहीं आपको बहुत ही लाजवाब वेबसाइट है ये ठीक है आपने देखोगे ऐसे देखो ये ऑटोमेटिकली पहले ही कर लेगी डाउनलोड पे क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड पे क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगा वरना देखो यहाँ पर क्या है तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आप ठीक है ये इंस्टॉल कर सकते हो ये स्टेबल वर्जन को वही देगा आपको तो मैं तो सिंपल कर रहा हूँ अब इसने अपने आप ऑटोमेटिक फैच कर लिया है कि मेरा ये कौन से मतलब विंडोज है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से ये इंस्टॉल कर देगा तो ये मेरा चल रहा है लो भाई कर देंगे हम इसको इंस्टॉल तो एटी एट का ये डाउनलोड होने के बाद हम इंस्टॉल पर भी क्लिक करेंगे ई फाइल है हमारी ठीक है ओपन करते हैं बिल्कुल आपके सामने हो रहा था कि आपको पता चले जो जो चीजें मैं करी, कर के दिखा रहा था उस टाइम पे भी ठीक है यहां पर जाओगे आज की डेट आगे ये ई एक्सी फाइल है डबल क्लिक करोगे क्लिक करते डबल क्लिक करने पे क्या आएगा आई एक्सेप्ट या आई डू नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा लाइसेंस आपको देन नेक्स्ट के बाद ये देखोगे ध्यान से देखना क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन अगर डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देना इससे क्या होगा जो भी आपकी स्क्रीन होती है ठीक है मेन विंडो की यहाँ पर आपका जैसे वंडर शेयर का बना हुआ है ऐसे बन जाएगा ओके कर देना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एड पाथ ये रखना था कि जब मैंने अभी इन्वायरमेंट का पाथ करवाया था वो सब करना ना पड़े ये सब आप चेक बॉक्स कोई टेंशन नहीं है नेक्स्ट करना ये बता देगा आपको कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ठीक है कोई दिमाग नहीं लगाना मैं मेरे को पता है तो मैं दिमाग लगा भी सकता हूँ ठीक है क्योंकि मैं कंपनीज में भी देखता हूँ ये सब चीजें इसलिए बाकी आप सिंपल इंस्टॉल करना है इसको ओके okay. ना जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसे शॉर्टकट क्रिएट हो गया और लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड डबल क्लिक करके इसकी मुंह दिखाई कर लेते हैं कैसा दिखता है पहला लुक. तो पहला लुक लुक तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ रहा होगा जरूरी नहीं है यहां पर आपके आ रहे हो क्योंकि पहले से मैंने कुछ इंस्टॉल कर रखे है इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी पड़ा तो है कहीं कही ना कहीं ना आपके सामने न्यू फाइल ओपन फाइल न्यू फोल्डर ओपन फोल्डर ये सब चीज है ठीक है तो आपके दो स्टेप्स हो गए कंप्लीट अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशन की यहीं पर है एक्सटेंशन का ये वाला लोगो है ठीक है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डाल दोगे ये मेरे इंस्टॉल्स के इंस्टॉल्ड वाले है मैं कर देता हूँ जावा ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कौन से कौन से होने चाहिए एक्सटेंशन पैक ऑफ जावा ये वाला आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है पहला स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी ये लिख लो दूसरा मैं भी फॉर जावा छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है डी बगर फॉर जावा डाउनलोड कर लेना वरना इंस्टॉल करके रखना कोई दिक्कत थोड़ा ना दो ऐसे हो जाता है एक एक मिनट के अंदर ठीक है टेस्ट रनर फॉर जावा ये भी कर लेना और लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा ठीक है बाकी आपको दिख रहा है एक दो तीन चार पाँच छ ये छह एक्सटेंशन होने चाहिए ठीक है डन इसके बाद क्या कर दोगे जब इंस्टॉल करने के बाद न्यू फाइल मत क्रिएट करना पहले जाना एक फोल्डर बनाना ठीक है कंट्रोल शिफ्ट एन जहाँ पर फोल्डर बनाते हैं माई जावा फोल्डर ठीक है माई जावा फोल्डर मैं इसको देखो राइट क्लिक करके आ, बहुत सारे शो मोर मस या दिख जाएगा ओपन विद कोड ठीक है ओपन विद कोड करोगे ये ओपन हो जाएगा चीजें भी देख सकते हो जैसे विंडो आर करना कोड डालना

जब ये सेटअप हो जाएगा इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद टाइप करोगे आप क्लास तो यहाँ पर ऐसे आएगा मैजिक ठीक है पी एस वी एम करोगे तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हो जाएगा नाउ रन और डीबग दोनों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो समझ जाना ये सेट हो चुका है ठीक है अभी दिस आउट दिस आउट टाइप करो बस एंटर और यहाँ कर दो अपना वो जैसे परंपरा चली आई है हेलो वर्ल्ड की ठीक है हेलो वर्ल्ड ओके सेव किया कोड कंट्रोल एस से सेम रन ओके तो अब देखोगे आपका

और ऐसे रन कर दोगे तब भी सेम मैंने बोल मैंने इंट्रो में क्या दिखाया था कि वो अलग अलग हो रहा था वो एक लाइन में हो रहा था एग्जीक्यूट वो कैसे है तो उसके लिए एक एक्सटेंशन है अलग से ठीक है इट इज नॉट फॉर जावा रिलेटेड इट्स फॉर एवरीथिंग पाइथन हो सी प्लस प्लस हो जावा हो कोई भी ठीक है तो कोड रनर डालोगे कोड रनर ओके ये डॉट रन करके ठीक है इसको इनेबल कर लेना ओके okay. जब आप इसको इनेबल कर लोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा मैं दिखाता हूं इसको बंद किया डिलीट अब देखो रन कोड रन जावा डीबक पहले आपके सामने ओपन किया है तीन में से दो ही ऑप्शन दे अभी रन कोड आ रहा है रन कोड करोगे अब देखो मैजिक सिंपल एक लाइन एक लाइन में एग्जीक्यूट हो गया हेलो वर्ल्ड का ऑप्शन आया कि नहीं आया हो गया ठीक है ओ ये था बताना कैसा लगा सेटअप ठीक है तीन ही स्टेप थे फर्स्ट कौन सा हमारे को जेडी के चाहिए दूसरा क्योंकि जावा के प्रोग्राम किट तो, उसका एक तो पहली चाहिए पहले जेडी के चाहिए एडिटर तीसरी एक्सटेंशन एक्सटेंशन जावा के जितने मैंने आपको बताए बताए छ होने चाहिए वो मत सोचो कौन सा क्या काम कर रहा है तुम्हारे को नहीं जानना उसके बाद सातवा कोड रनर ठीक है कोड रनर होगा तो ये सारा मस्त चलेगा काम ठीक है बाकी बाकी इस कोड एडिटर में हाथ पैर मारो सीखो और भी सारी चीजें रन करो डिबक करो अगर डीबक करके देखना चाहते हो ठीक है जैसे मैं यहाँ पर रोक दूंगा डीबग होगा ठीक है ये सब चीजें देखना चाहते हो कैसे डीबग हो रहा है क्या हो रहा है ठीक है तो ये आप डीबक करना चाहते हो कैसे हो रहा है ये सारी कैसी चीजें हो रही है इन सब को समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ठीक है कैसे डीबक करते हैं कोड के अंदर सारा जो है ना पावरफुल चीज वह डीबगिंग इन दी एस कोड ओके सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ वीडियो कैसी लगी बताना जरूर और हाँ लाइक like तो कर दो यार ये मैंने एक पूरी जावा की क्या बनाई प्ले प्लेलिस्ट बनाई है इसको जरूर से जाके चेकआउट करना बहुत प्यारा कोर्स मैंने पढ़ा है इसके अंदर ठीक है जान लगा दी है तो रिव्यूज देना फीडबैक देना कैसा लगा ठीक है लेकिन जाकर एक बार जरूर देखना ठीक है ओके तो मिलता हूं मैं उन्हीं वीडियो के अंदर दिस वीडियो बेस्ट ऑफ लाइफ